जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें दर्शन तो देते हैं, लेकिन हम ही गुरु जी के दर्शन समझ नहीं पाते। गुरु जी हमें अलग अलग तरीके से दर्शन देते हैं, लेकिन हम ही गुरु जी को कहते रह जाते हैं, गुरु जी हमें दर्शन कब दोगे। लेकिन जितना कनेक्शन हमारा गुरु जी से स्ट्रॉन्ग होगा, गुरु जी हमें उतने ही ज़्यादा दर्शन देंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरुबा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इस वक्त जो है मैं हरिद्वार में हूँ, और मैं गंगा नदी के सामने, गंगा मैया के सामने बैठकर जो है अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, वैसे तो शुक्राना सत्संग मुझे पहले ही शेयर करना था, लेकिन आज पता नहीं मन में ऐसा है कि मैं अभी शेयर कर देती हूँ। तो मैं बस जस्ट वहीं हरिद्वार में ही मतलब अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। और संगत जी, मेरा मतलब शुक्राना सत्संग ये है कि 16th of April को मेरे ऑफिस, जैसे ऑफिस में ना वो था, क्या कहते हैं, 16th of April को कुछ था संगत जी, हनुमान जयंती थी, पता नहीं कुछ था ऐसा। तो ऑफिस में हमारे ना पूजा हुई थी, तो पूजा के टाइम पे संगत जी, जब मैंने अच्छे से पूजा की, आरती करी, सब कुछ किया, और जब प्रसाद जो है ऑफिस में प्रसाद बांट रहे थे, तो उस टाइम संगत जी जिस मतलब मेरे कलीग के मैम के जो हाथ में जो पेड़े वो था, बर्फी थी जो उन्होंने बांटी थी, तो उस टाइम संगत जी मैंने देखा कि 16th of April था, और उनके मैंने माथे पे देखा कि चावल से बिल्कुल 7 बन रहा था संगत जी। तो मुझे जो गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई कि हाँ मैं यहीं पर ही हूँ, तेरे अंगसंग हूँ, तो मैं इसका शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। मतलब मैं ना देख के, मैं 2-3 बार ही देखा, मैंने कहा ये 7 मतलब बिल्कुल 7 था संगत जी, चावल से बिल्कुल 7 बना हुआ था। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई, उन्होंने बताया कि मैं तेरे अंगसंग हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना। और संगत जी, उस टाइम पे मुझे जैसे मैं अपने ऑफिस जो है जाती हूँ, जब मेट्रो स्टेशन से फिर शटल लेती हूँ, मेट्रो से उतर के, तो शटल से जा रही थी, जब संगत जी मतलब मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुपा ने दर्शन दिए। और संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ, जो कि कल का है, मतलब 23 अप्रैल का है। इसमें संगत जी, जैसे ही मैं मेट्रो से उतर के अपनी ऑफिस के शटर पे बैठी, गुरुपा ने मुझे मस्टर्ड कलर की जो बटरफ्लाई होती है, उस कलर के रूप में जो है अपने दर्शन दिए। शटर मतलब विंडो के बाहर मुझे बटरफ्लाई नज़र आई। और संगत जी, फिर जब मैं रास्ते में जा रही थी, तब मुझे रास्ते में जा रही थी, और जब मैं ऑफिस पहुंची, जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर करने लगी, तब मुझे गुरुपा ने ग्रीन कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना। गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी मुझे संगत जी। और संगत जी, एक मतलब और था कि जब मैं ऑफिस में थी, और ऑफिस में मतलब ऑफिस में आई थिंक विंडो से बाहर देख रही थी या कुछ था, जब मैं वॉक कर रही थी, तब भी गुरुपा ने मुझे ग्रीन कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए थे संगत जी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, इन्फिनिटी शुक्राना गुरुपा, इन्फिनिटी शुक्राना संगत जी। मैं एक्चुअली गुरुपा से ये बोलती थी कि बहुत दिन हो गए संगत जी, गुरुपा ने ना मुझे ना तो ड्रीम दर्शन दिए, तो मतलब जोत में तो दर्शन देते ही हैं गुरुपा, लेकिन ड्रीम दर्शन है, तो मैं बोलती थी गुरुपा मुझे ड्रीम दर्शन नहीं देते, मुझसे नाराज़ हो गया इस तरह से। तो संगत जी, क्या हुआ कि गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तुझे ड्रीम दर्शन नहीं दे रहा, तो मैं तुझे किसी ना किसी रूप में दर्शन दे रहा हूँ, तो मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि जब हमें गुरुपा ड्रीम दर्शन नहीं देते, तो हम सोचते हैं कि गुरुपा नाराज़ तो नहीं है, लेकिन संगत जी हम वो भूल जाते हैं कि जो गुरुपा अगर ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे, तो गुरुपा हमें वैसे तो ब्लेस कर रहे हैं ना संगत जी, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी जैसे 7 नंबर के ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा, 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं,
तो मैं बस शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, इसलिए जो है हमें मतलब बार बार जो है ये वो नहीं करना चाहिए कि गुरुपाप हमें ड्रीम दर्शन दो या ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे, नाराज़ तो नहीं। संगत जी गुरुपा तो बोलते हैं मैं कभी भी नाराज़ नहीं होता अपने बच्चों से, लेकिन हम सोचते हैं कि गुरुपा नाराज़ होंगे शायद इससे दर्शन नहीं दे रहे। तो संगत जी गुरुपा फिर भी हमें किसी ना किसी रूप में ब्लेस करते ही हैं, चाहे गुरुपा हमें बटरफ्लाई रूप में करें, चाहे 777777 नंबर की ब्लेसिंग्स के रूप में करें संगत जी। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग था, मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ संगत जी, और सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, जो दियो उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दियो उस चीज़ का भी शुक्राना, स्वास्थ्य स्वास्थ्य का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इन्फिनिटी शुक्राना गुरुपा, इन्फिनिटी शुक्राना, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी गुरु जी सबको अलग अलग तरीके से दर्शन देते हैं, तब भी हम कोई भी सत्संग सुनते हैं तो हम गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी आपने हमें इस तरीके का तो दर्शन नहीं दिया, या फिर आपने हमें ड्रीम दर्शन नहीं दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि गुरुजी हमें किसी और तरीके से दर्शन दे रहे हैं, किसी और तरीके से हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसलिए गुरुजी हमें जिस तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, हमें वो तरीका समझना चाहिए और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।